चैनल। आज हम बनाएंगे हलवाई स्टाइल का समोसा। ये समोसा हम बहुत ही इजी तरीके में बनाएंगे और एकदम बाहर जैसा समोसा लगेगा। इस तरीके से समोसा अगर आप अपने घर में बनाएंगे तो आप बाहर से समोसा बिल्कुल भी नहीं लेंगे। सो चलिए बनाते हैं हलवाई स्टाइल में समोसा। हलवाई स्टाइल का टेस्टी और चटपटा समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 250 ग्राम मैदा। इसमें मैं डालूंगी एक छोटी चम्मच कैरम सीड, जिन्हें हम अजवाइन कहते हैं। अजवाइन से समोसे का टेस्ट और इंक्रीज होके आता है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 बड़े चम्मच देसी घी के। देसी घी को मैंने पहले से मेल्ट करके रखा था। अब मैं इसमें डालूंगी आधी छोटी चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। और नमक डालने के बाद हम इसको हाथों की सहायता से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एकदम सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। पानी हम उतना ही डालेंगे जितना हमें डो में रिक्वायरमेंट हो। तो 250 ग्राम मैदे में मैंने करीबन आधा कप पानी यूज किया है। समोसे का डो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। अगर डो अच्छा बनेगा तभी हमारा समोसा बाहर से एकदम क्रिस्पी रहेगा। तो ज्यादा पानी भी हम इसमें ऐड ऑन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा डो एकदम तैयार है। लास्ट में मैं इसमें 1 चम्मच देसी घी और डाल देती हूँ और इसको एक बार और हाथों से मसल लेती हूँ ताकि जो हमारा डो है वो और चिकना हो जाए। अब करीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको ढक के रख लेती हूँ। इसको हम साइड में रख लेंगे। समोसे की स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे पैन। पैन में मैं डालूंगी 3 बड़े चम्मच तेल के और तेल को हम अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे। तो यहाँ पे हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। तब मैं इसमें डालूंगी आधी छोटी चम्मच क्यूमन सीड, मीन जीरा। एक छोटी चम्मच हम इसमें डालेंगे हींग का। हींग डालने से समोसे का फ्लेवर और इनहांस हो जाएगा। एक चम्मच हम इसमें डालेंगे ग्रेटेड जिंजर, मतलब ग्रेटेड अदरक। इससे समोसे का फ्लेवर और अच्छा आता है। और अब हम अदरक को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। जब तक हमारा अदरक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इसको बढ़िया तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी बारीक कटी हरी मिर्च। यहाँ पे मैंने 4 हरी मिर्च को बारीक काट लिया था। और अब हम इसमें डालेंगे आधा कप मटर, मींस पीस। और इन सब को हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी आधी छोटी चम्मच नमक का। नमक मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि हमारे मटर अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि हमने डो में भी नमक डाला है और अब हम स्टफिंग में भी नमक डाल रहे हैं। तो नमक उसी तरह हम डालेंगे ताकि दोनों में एक समान हो। नमक डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से स्टर कर लेते हैं और करीबन 5 मिनट के लिए
मैं इसको ढक लेती हूँ ताकि जो हमारे मटर हैं वो अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। मटर को फ्राई करना बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, नहीं तो आलू में हमारे मटर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। मटर हमारे यहाँ पे अच्छी तरीके से पक चुके हैं। आप चेक कर लीजिएगा कि आपके मटर अच्छे से गल चुके हैं कि नहीं। अब मैं इसमें डालूंगी मसाले। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाला है लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, एक छोटी चम्मच हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, एक छोटी चम्मच हम इसमें डालेंगे आमचूर पाउडर। और ये सारे मसाले डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से भून लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे मसाले अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। तो अब मैं इसमें डालूंगी आलू। यहाँ पे मैंने 6 आलू को मीडियम साइज में मैश कर लिया है। मैश हम एक तरीके से करेंगे, थोड़े आलू को हम एकदम फाइन मैश कर लेंगे और थोड़े आलू की हम छोटी छोटी गुठलियाँ रहने देंगे। आलू डालने के बाद हम इसको एक अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं ताकि जो हमारे मसाले हैं वो हमारे आलू में अच्छी तरीके से लग जाए। जो हमारी स्टफिंग है उसको हमको एकदम चटपटा बनाना है, तभी हमारा समोसा बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इसमें मैंने हल्दी पाउडर नहीं डाला है क्योंकि समोसों में हल्दी पाउडर नहीं आता है। अगर आप चाहें तो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये स्टफिंग एकदम तैयार है। अब मैं इसको रूम टेम्परेचर में आने देती हूँ और गैस की फ्लेम को हम अच्छी तरीके से बंद कर लेते हैं। तो 10 से 15 मिनट के बाद हमारा डो एकदम तैयार है। अब आप देख सकते हैं हमारा डो एकदम सॉफ्ट बना है। सो चलिए बनाते हैं अब इसके समोसे। समोसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक लोई लेंगे और इसको अच्छी तरीके से फ्लैट कर लेंगे। इसको हम अच्छी तरीके से फ्लैट करेंगे क्योंकि जो समोसे का आउटर लेयर है वो एकदम क्रंची होना चाहिए। ज़्यादा अगर मोटा होगा तो वो बिल्कुल भी क्रंची नहीं रहेगा। तो इसको हम एकदम पतला पतला बेल लेते हैं। तो यहाँ पे ये अच्छी तरीके से फ्लैट हो चुका है। तब मैं बीच में से नाइफ की सहायता से इसको काट लूँगी और इनके दोनों पोर्शन को पानी की सहायता से हम एकदम कोन की तरह बना लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें पानी लगाते थे ताकि ये अच्छी तरीके से सील हो जाए और इसको एकदम कोन की तरह बना लेते हैं। अब ये कोन बन चुका है। तब हम इसमें डालेंगे स्टफिंग। स्टफिंग हम अच्छे से डालेंगे, खाली नहीं रहना चाहिए ये, और ना ही हम इसको ज़्यादा भरेंगे। तो एक छोटे कोन के लिए 1 और आधा चम्मच काफ़ी है। अब हम साइड्स में पानी लगा लेते हैं और साइड से भी इसको अच्छी तरीके से सील कर लेते हैं। अच्छी तरीके से सील करेंगे क्योंकि ये तेल में जाके एकदम खुल सकते हैं। तो अच्छे से इसको सील कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पहला समोसा बनकर तैयार है। बिल्कुल इसी प्रोसेस से मैं अपने सारे समोसे तैयार कर लेती हूँ। वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। मैंने एक लोई को एकदम फ्लैट कर लिया है और बीच में से इसको काट दूंगी।
साइड से इसमें पानी लगा देंगे और इसका एक कोन तैयार कर लेंगे। ये जो हम इसको काट रहे हैं, हमको इस दोनों को एकदम इक्वल साइज में काटना है। अब हम इसमें डाल देते हैं स्टफिंग। स्टफिंग में मैश्ड आलू के पार्ट्स और आलू की छोटी छोटी गुठलियाँ आना बहुत ही ज़रूरी है। साइड से मैं इसमें पानी लगा दूंगी और इसको अच्छी तरीके से सील कर लूंगी। तो यहाँ पे हमारा दूसरा समोसा बनकर तैयार है। इसी तरह मैं अपने सारे समोसे बना लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारे सारे समोसे बनकर तैयार है। तो चलिए करते हैं इनको फ्राई। तेल को मैंने पहले ही अच्छी तरीके से गरम कर लिया था। जब हमारा तेल एकदम अच्छा गरम हो जाएगा, तब हम इसमें हमारे सारे समोसे डाल देंगे। तो करीबन एक टाइम में मैं 5 समोसे ही डालूंगी। सारे समोसे हम एक साथ नहीं भरेंगे। और जब तक हमारे समोसे गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते, तब तक हम इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब करीबन 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको तेल में इसी तरह रहने देंगे। और जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, तब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारे समोसे एकदम तैयार है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। और इसी तरह मैं अपने सारे समोसे बना लेती हूँ। सेम प्रोसेस से